जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल्द ही 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल होंगे। दरअसल शहर के शिवपुरा इलाके में पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए LG सिन्हा ने कहा कि सिनेमा प्रेमी कश्मीर में हर जगह हैं और घाटी में सिनेमा घरों का एक महान इतिहास है। एक समय था जब बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवारों के साथ फिल्में देखने आते थे। सिनेमा उन्हें मनोरंजन के अलावा बड़ा सोचने और बड़े सपने देखने का अवसर प्रदान करेगा। कुलगांव और शोपियां जिले में 2 बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल शीघ्र ही आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हर जिले में 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। नई फिल्म नीति के बारे में जम्मू कश्मीर LG ने कहा कि हाल ही में कश्मीर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की गई थी और बहुत कुछ पाइपलाइन में था। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इसमें होंगे फिल्म सिटी भी स्थापित की जाएगी। हम नई फिल्म नीति के तहत युवा फिल्म निर्माताओं को काफी प्रोत्साहन देंगे ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। LG ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया वे अपने मनोरंजन के लिए जम्मू कश्मीर और यहां तक कि विदेशों से भी बाहर जाते थे, जबकि मनोरंजन के सभी साधन यहाँ बंद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट।